गाइस, क्या आप भी गर्मियों में आम यानी कि मैंगो को देखकर उसे खाने के लिए टूट पड़ते हो और उसे पानी में कम से कम 30 मिनट के लिए डालकर नहीं रखते हो? तो सावधान हो जाओ। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए भाई, ऐसा है कि हमारी दादी नानियां भी ये कहा करती थी कि आम को पहले ठंडे पानी में डालकर रखो। अब उसकी क्या वजह है? वजह नंबर एक, आम में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो हमारी बॉडी में रैशेज और मुहासे तक पैदा कर देती है, पर जिसे अगर पानी में डालकर अगर आप रखते हो तो उसका हीटिंग इफेक्ट यानी कि गर्मी कम हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? नंबर दो, आमों को पकाने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है उससे हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और गट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आपने आम को पानी में डालकर रखा तो ये सारे के सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं। और नंबर तीन, आम में विटामिन ए, के, बी, सी और ई के अलावा इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। पानी में अगर आप इसको 30 मिनट तक डाल के रखते हो तो ये फिटिक एसिड भी निकल जाता है। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी अधिकारी ने अपने पद और रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कैसे, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे आपके प्यार की जरूरत है। दरअसल उस अधिकारी का नाम है राजेश विश्वास, जो एक फूड इंस्पेक्टर है। राजेश 21 मई को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने छत्तीसगढ़ के परालकोट डैम पर गए थे। इस दौरान उनका मोबाइल उस डैम में गिर गया, जिसके बाद उन्होंने इस डैम में 4 दिन मोटर पंप लगाकर पूरा का पूरा 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करके बाहर बहा दिया, जिससे लगभग 1500 एकड़ खेती की सिंचाई की जा सकती थी। जिसके बाद अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और पानी के नुकसान का भुगतान उनकी सैलरी से करने के आदेश दिए गए हैं। गाइस, उस अधिकारी की इस करतूत से पानी का नुकसान तो हुआ ही, पर साथ ही एक इंसान खुद के स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है इसका भी पता चल गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।